Good morning, all of you. Welcome again to online classes, class 8. Today we are going to write letters. In the sense, exercises. Letters, we never took before exercises. We have only copied, as I told you, to copy them and you read. एक्सरसाइज थिंक एंड आंसर पेज नंबर 105 105 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है. इसमें क्या कहता है आपका आपका नाम रोहन या रेखा है और आपकी कॉलोनी में आपकी सिटी में चाइल्ड किडनैपिंग बहुत हो रही है. बच्चों का अपहरण बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको आप इससे परेशान है. इट लेफ्ट यू डिस्टर्ब एंड अपसेट एंड वरी. तो आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर को ताकि उससे अब इस मीडिया के थ्रू आप पब्लिक को चेता सकें, पब्लिक को अवेयर कर पाए और इस पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके इस प्रॉब्लम. इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लेटर का. पता है लेटर कैसे लिखते हैं? वो आपने जब नकल की होगी तब आपने सीख लिया है. ये सबसे पहले सेंडर्स का नाम आता है, फिर रिसीवर का नाम आया. रिसीवर का नाम द एडिटर. आपको लिखना है द एडिटर द हिंदू न्यूज़पेपर दिल्ली. ये रिसीवर का नाम आ गया. उसके लिए क्या सब्जेक्ट आएगा? सब्जेक्ट क्या लिखना है? इंक्रीज नंबर ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग. बढ़ती हुई समस्या इसकी, बच्चों के अपहरण की. फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सर, कॉमा लगाएंगे. उसके बाद फिर लिखेंगे आप ड्राइंग. ड्राइंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स ए सीरियस एंड बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग इन आवर लोकेलिटी और इन अवर कॉलोनी. हमारी लोकेलिटी में या हमारी कॉलोनी में ये चीज ज्यादा हो रही है. पैरा चेंज करेंगे. आप लिखेंगे जस्ट, हाँ आप लिखेंगे टू योर सरप्राइज. आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप कह रहे हैं अभी तरफ ये बात, टू योर सरप्राइज जस्ट टू डेज बैक. अभी दो दिन पहले बैक बीएससी के है ना, जस्ट टू डेज बैक. अभी दो दिन पहले बीएससी के कॉमा ए शॉकिंग न्यूज ऑफ द सेम शॉक्ड मी. मुझको शॉक कर दिया ऑफ किडनैपिंग ऑफ टू बॉयज फ्रॉम माय कॉलोनी. मेरे कॉलोनी से दो बॉयज को किडनैप कर लिया गया. ये न्यूज आप बताएंगे उसको. फिर आप अपनी वरी अपनी चिंता उसको बताएंगे. इट इज वेरी हैरेसिंग, इट इज वेरी ट्रबलसम लिखें, हैरेसिंग लिखें, ये कुछ वर्ड्स हैं. इट्स वेरी शॉकिंग भी आ सकता है टू देयर पेरेंट्स. उन बच्चों के पेरेंट्स को ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत हैरेसिंग है, एज वेल एज टू अस और हमारे लिए भी, हमारे लिए हमारे जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, ये सबके लिए है. कल उनके बच्चे और आज हमारे बच्चे हैं तो कल किसी और के बच्चे हैं, कल किसी और के तो कल हमारे हैं. तो ये हमेशा चिंता हो गई है. तो अब आप अपनी राय दे रहे हैं. आई थिंक मेरे ख्याल से आप अपनी बात कह रहे हैं रिजल्ट से. आई थिंक एक स्पेशल कैंपेन शुड बी मेड, स्पेशल कैंपेन अगेंस्ट दिस एक्ट. ये जो हीनियस एक्ट है, ये जो घिनौना काम है, ये जो बहुत ही डायरसम काम है, अगेंस्ट दिस एक्ट. दिस एक्ट शॉर्ट में कर दिया मैंने, दिस एक्ट समझिए इशारा है. कैंपेन अगेंस्ट दिस एक्ट शुड, इसके बाद आएगा शुड बी मेड. एक स्पेशल कैंपेन चलाया जाए फ्रॉम योर एजेंसी, आपकी जो न्यूज पेपर एजेंसी है उसके थ्रू कैंपेन चलाया जाए. सो दे, जिससे
so that the problem can be controlled. ताकि जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इस पर काबू पाया जा सके. ये आपने लिख दिए, आपके प्रॉब्लम, आपकी चिंता, सारी चीज आ गई. फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे, मैंने जो आपके लिए लिखा है, तैयार किया है, हाँ, यस. लास्ट में सिंपल सी बात लिख दे, होप. इसमें आ जाएगा होपिंग that hoping the action will be taken soon. Hoping, मैं आशा करता हूं कि that the action will be taken very soon. Action, इस पर कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी, मुझे इसी आपसे आशा है, उम्मीद है. Last में thank you so much. Yours Sincerely, yours sincerely, और आपका नाम वहां जो भी नाम आया है आपका, वो नाम आप लिख दें. इस तरह से ये लेटर आप अपनी कॉपी में, आंसर बुक में लिख लें. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच.